सबसे तेज खबर साउथ ईस्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। सपा कार्यकर्ताओं ने इकोना बाईपास से निकाली किसान यात्रा। इकोना नगर में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों का किया समर्थन। अमर यादव के नेतृत्व में निकाली गई किसान यात्रा। किसानों के समर्थन में सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमकर कर रहे नारेबाजी। किसान अध्यादेश को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। यहां पर तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना बाईपास की तस्वीरें हैं। किसान विरोधी बिलों को वापस लेने के लिए किसान एक तरफ आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस और अन्य संगठन भी उनका साथ दे रहे हैं। इसी क्रम में इकोना बाईपास पर आज अमर यादव के नेतृत्व में किसान यात्रा निकाली गई, जो इकोना से गिलोला होते हुए जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचेगी और लोगों को जागरूक करेगी। इस यात्रा के दौरान इकोना बाईपास पर भीषण जाम लग गया, जिसकी सूचना पाते ही इकोना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत कर जाम हटाया, जिससे लोगों को राहत मिल सकी। इकोना बाईपास चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जाम में फंसकर सैकड़ों वाहन काफ़ी देर तक जूझते रहे, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने जाम को हटाया, जिससे लोगों का आवागमन सुचारू हो सका। यात्रा निकाली गई और लोगों ने यहाँ पर जमकर Thank you.
भारतीय जनता पार्टी द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी काला कानून के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी आज मैदान में है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है तब तक समाजवादी पार्टी के एक एक बच्चा एक एक कार्यकर्ता किसानों के सम्मान में रोड पे उतरा रहेगा और किसानों के सम्मान में आप कहाँ से निकले कहाँ तक जाएंगे? हम निकलना तहसील से निकले हैं, गिलौला गिलौला लगनी मोड़ होते हुए लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर से बदला चौराहा तक हम जाएंगे।